फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन अवर टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू अबाउट वॉट इज अवर जी एस टी द बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ जी एस टी इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने ये टर्शरी जब सेक्टर्स में हम पहुँचे थे तो मैंने आपको टर्श अब मैंने आपको बताया था Uh, कि टर्सरी uh, सेक्टर्स में यही होता है कि हम जब किसी चीज़ की हेल्प करते तो हम उसमें गुड्स एंड सर्विस को हम सेल कर रहे हैं गुड्स मतलब हम किसी को कुछ सामान बेच रहे हैं या सर्विस की कंडीशन वो कंडीशन जब हम किसी को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ठीक है तो जो हमारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हैं वो दो टाइप के हैं बेसिकली फर्स्ट जो होता है एक हो गया क्या हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स ठीक है और एक हो गया क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है तो डायरेक्ट टैक्सेस में ये हो जाएगा कि हमारा इनकम टैक्स हो गया इनकम टैक्स फिर दूसरा हो जाता हमारा कोऑपरेट कॉरपोरेशन टैक्स ठीक थर्ड हो गया हमारा प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स यही सब टैक्सेस हैं बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो गया क्या हमारा जैसे एक्साइज टैक्स हो गया कस्टम कस्टम हो गया और यही सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सर्विस टैक्स हो गया अच्छा मैं आपको और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है डायरेक्ट टाइप्स ऑफ टैक्सेस में तो दोनों आ गए डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकिन हम जो इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम रद्द कर देते हैं इसको हमने कैंसिल कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है इसके बदले में हम ले आए अपना जी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ठीक है तो अब हम उसके बदले में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे जी डायरेक्ट का तो अब केस ख़त्म हो गया ठीक है अब हम जो देख रहे हैं वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को हम काट करके हटा दिए उसमें एक्चुअली ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो ये सेवनटीन टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो हमने इन सेवनटीन टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया और उसके बदले में हमने जी एस टी ले करके आ गए टू थाउजेंड सिक्सटीन में ठीक है टू थाउजेंड सेवनटीन में आ गया था ये हमारे यहाँ लागू हो चुका था मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बता दूँगा तो ये लागू जब हुआ था ये एक जुलाई दो हज़ार सत्रह को हमारे देश में ये लागू कर दिया गया था वन जुलाई 2017 को इसको हमारे देश में लागू कर दिया गया था तो आप लोग समझिएगा इसको आगे मैं और बताता हूँ आपको आ, तो जो इसकी एक क्वालिटी है कि जैसे कि आ, इसका ईयरली टर्न कम से कम ट्वेंटी लाख एंड अबव है मतलब फर्स्ट इसमें पॉइंट यही आ जाता है कि जिसकी सालाना आय जो है ईयरली इनकम जो है इंग्लिश में बोला जाएगा ईयरली इनकम जो हो रही है वो ट्वेंटी लाख एंड अबव है जो बंदा कमा रहा है ट्वेंटी लैक्स एंड अबब तो वो उसको जीएसटी uh, पे करना पड़ेगा तो जीएसटी की भी जीएसटी uh, को मंथ uh, में थ्री टाइम्स पे करना पड़ता तो ये मान के चलिए कि टेन डेज में आपको uh, तीन तीन स्लॉट्स में आपको पे करना पड़ेगा ठीक है और इसका जो फर्स्ट तो ये हो गया और दूसरा इंटरस्टेट होता है इंटरस्टेट में लगता है इंटरस्टेट जी इंटरस्टेट टैक्स होता है तो इंटरस्टेट टैक्स मतलब कि आप जैसे इस जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप इस राज्य से दूसरे राज्य में आप भेज रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने में इंटरस्टेट टैक्स लगता है ठीक है और थर्ड जो हो गया उसमें हमारा ऑनलाइन तो ये ऑनलाइन में भी जी यूज़ हो रहा है इंटरस्टेट टैक्स में जीएसटी इसलिए लगता है कि आप कोई भी राज्य में आप कुछ भी सामान भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेचने वाले हैं तो वो सामने वाला जो ख़रीदेगा उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कि उस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स पे है क्योंकि उसके भी अलग अलग स्लैब्स हैं तो मैं वो आपको बताऊंगा और ये जो ऑनलाइन है ऑनलाइन में जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट तो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर जो है हमको जी तो पे करना ही पड़ेगा ये इसकी है कि भाई जीएसटी अगर आप एक जुलाई 2017 से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया था बेसिकली इससे प्रॉब्लम इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये हो रही थी कि जैसे कोई जीएसटी जैसे कोई टैक्स लगा रहा है कोई स्टेट अगर मान के चलते हैं कोई कोई स्टेट का 14 परसेंट है टैक्स किसी स्टेट का फिफ्टीन है किसी स्टेट का टेन है तो ये जो टेन पर जो जी लगा रही थी कंपनी जो मतलब स्टेट जो लगा रहा था तो वहाँ पे निवेश सबसे ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे सबसे कम टैक्स पे करना पड़ रहा था अब जीएसटी आने के बाद से ये हो गया कि सबको एक सा ही जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑल ओवर द कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंज कर सकता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जी के बारे में और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ को लेकर के और ईयरली इनकम ट्वेंटी लाख एंड अबव होनी चाहिए इंटरेस्ट रेड टैक्स होना चाहिए और ऑनलाइन जैसे अमेजन फ़्लिपकार्टे पे जीएसटी आपको पे करना ही पड़ेगा डायरेक्ट ठीक है अब हम चलते हैं जीएसटी कितने टाइप्स की होती है तो ये जीएसटी के जो टाइप्स हैं वो चार टाइप्स के होते हैं ठीक है थीके? तो जो फर्स्ट हमारा हो जाएगा वो होगा क्या हमारा सबसे फर्स्ट वो हमारा हो जाएगा सेंट्रल जी ठीक है और जो सेकेंड होगा वो हमारा होगा स्टेट जी और फिर हमारा जो थर्ड होगा वो होगा कौन सा यूनियन uh, टेरिटरीज में जो लगेगा उसको यूटी जीएसटी uh, बोलेंगे ठीक है और जो चौथा लगेगा वो इंटर स्टेट या इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाएगा चलिए ये तो हमारा हो गया अब ये देख सकते हैं ये यहाँ लग गया क्या हमारा सेंट्रल जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी का मतलब ये होगा सेंट्रल तो हर जगह लेगा ही लेगा केंद्र uh, केंद्र जीएसटी ले रहा है दूसरा हो जाता है हमारा स्टेट कोई भी राज्य जो है वो जीएसटी लेगा और फिर जो हमारा तीसरा है वो है यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी लेगा जी एस टी जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरीज होगी वहाँ वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज जी एस टी लेगा तो और इंटीग्रेटेड जी एस टी होगा मतलब कि हमारा इंटरेस्टेट जी एस टी होगा तो जैसे दूसरे हम अगर किसी दूसरे राज्य में अगर हम भेज रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें जी एस टी वहाँ का लगेगा तो जैसे हम एक राज्य में अगर हम कुछ भी सामान ले रहे हैं हमारे ही राज्य का सामान है हमने हमारे राज्य में ही सामान की खरीदी बिक्री करी तो सेम स्टेट में क्या होगा जो सेंट्रल जी, जी एस टी तो इसको बोला जाता है सी जी एस टी सी जी एस टी आप लोगों ने देखा भी होगा सी जी एस टी के बारे में नाम सुना होगा आप कभी बिल वगैरह उठा के देख लीजिएगा और एच डी एस टी तो एस डी एस टी का मतलब होता है प्लस एस डी एस टी तो अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ के ऊपर 18 परसेंट का टैक्स है ठीक है तो वो जी एस टी वहाँ पे करना है तो अपन क्या करेंगे कि इसमें सी जी एस टी जो होगा वो नाइन परसेंट हो गया ठीक है प्लस जो हो, मतलब state, uh, हो गया एस जी एस टी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होगा तो वो भी नाइन परसेंट हो जाएगा बहुत लोगों को ये रमर था कि अगर ऐसा होगा तो एट्टीन परसेंट सेंट्रल जी एस टी लेगा और टेन परसेंट तो राज्य जी एस टी लेगा तो फिर उससे बहुत घाटा हो जाएगा तो उससे तकरीबन थर्टी सिक्स परसेंट की समथिंग जा रहा था तो ये लोगों के बीच में रमर था ये ठीक है अब हम ये सेम स्टेट का हम समझ गए कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों मिलकर के 99 परसेंट किसी भी चीज़ का हाफ हाफ अपने पास सेंट्रल तो हर जगह से पैसे लेगा ही कोई भी वो यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो या इंटीग्रेटेड हो तो आप चलिए आप अपन आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो है वो है हमारा यूनियन टेरीटरी तो यूनियन टेरीटरी में जो होगा कि यूनियन टेरीटरी में ये होगा कि जो यूनियन टेरीटरी है वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज का यू टी लगा दिया जाएगा यू टी लगा दिया जाएगा जैसे हमारा होगा कौन कौन सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारा दिल्ली हो गया जम्मू कश्मीर हो गया पाण्डिचेरी हो गया तो ये यह यहाँ टरि तो पे यूनियन टेरिटरीज है तो यहाँ पे यू टी प्लस आ, जी जी सी जी एस टी सी जी एस टी का मैंने आपको बताया कि सी जी एस टी हर हर जहाँ जहाँ पे जी एस टी यूज़ होगा वहाँ पे सी जी एस टी सेंट्रल ज़रूर उस चीज़ में टैक्स पे पे करवाएगा व्यक्ति से क्योंकि ये पूरा देश को संभाल रहा है सेंट्रल तो यहीं से सभी को फंडिंग हो रही है और फिर एक तीसरा मैंने आपको बताया इंटरस्टेट तो इंटरस्टेट और इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटरस्टेट जीएसटी में ये होता है कि जैसे हम कोई भी राज्य से आईजीएसटी लिख लेते हैं इसको आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी तो सीजीएसटी का मतलब हो गया क्या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस प्लस जो हमारा हो गया सीजीएसटी तो इसमें भी सेंट्रल पैसा ले रहा लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होगा कि एक तो जहाँ से हमने दूसरी स्टेट से बुलवाया जैसे गुजरात या अहमदाबाद से कहीं से भी बुलवाया हमने प्रोडक्ट तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला और जिस स्टेट में पहुँचा जैसे यूपी में पहुँचा तो वहाँ पर उन्होंने जी पे किया तो वो इंटीग्रेटेड जी हो गया है ठीक है तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को लेकर के अब मैं आपको बताता हूँ टैक्सेस जो होते हैं इनपुट टैक्सेस एंड आउटपुट टैक्सेस ठीक है तो इनपुट टैक्स में जो होगा कि इनपुट टैक्स में हम मान के चलते हैं कि जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया या फर्नीचर कुछ भी चीज़ हो गई तो उसका हम बिज़नेस करते हैं तो हमने उसका बिजनेस करा तो बिजनेस करा तो उसका जो आउटपुट निकलेगा आउटपुट टैक्स ठीक है वो आपको बताऊंगा जैसे हमारे यहाँ पे हमने क्या रॉ मटेरियल रख लिया रॉ मटेरियल हो गया ठीक है अब यहाँ पे जा करके वो सेल होगा तो वो गुड्स एंड सर्विस में होगा मैंने आपको ट्रेशरी में बताया था कि टर्सरी सेक्टर्स में यहाँ तो इसको मान लीजिए कि आपका फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्टर है ठीक है अब जीएसटी ऑन इनपुट जो लगेगा अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट जैसे सौ रुपए की वैल्यू है उसकी ठीक है सौ रुपए प्लस टेन परसेंट जी लगा दिया गया जीएसटी लग गया तो वो क्या हो गया वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ हो गया ठीक है तो आपको इसका जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा टेन रुपीज़ आपको इसका जीएसटी पे करना पड़ेगा तो जीएसटी की वैल्यू यहाँ पर होगी क्या टेन रुपीज़ हो गई आपकी जीएसटी की वैल्यू ठीक है तो और जैसे हमने इसको परचेस करा इनपुट टैक्स दे करके हमने इस पर, हमने इस चीज़ को परचेस करा तो उसमें हमने टेन रुपीज़ का आपने टैक्स पे कर दिया और हमने वही सामान चार महीनों के बाद वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ में बेच दिया वन हंड्रेड टेन का परचेस करा है और वन हंड्रेड फिफ़्टी में बेचा है प्लस टेन परसेंट का जीएसटी लगा दिया तो वो कितना हो गया तकरीबन वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव हो गया तो उसमें जीएसटी जो हमें पे करना है वो पड़ेगा फिफ्टीन रुपीज़ का हमें पे करना पड़ेगा तो फिफ्टीन रुपीज़ का जो होगा तो फिफ्टीन रुपीज़ में सरकार जो मैं किसी को सेल करूंगा तो वो प्रोडक्ट मुझे पैसा मुझे देगा तो फिफ्टीन रुपीज़ में मुझे कितना सेव होगा मैं फ़ाइव रुपीज़ सेव कर रहा हूँ ठीक है प्लस टेन रुपीज़ तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप इस चीज़ इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने दस रुपये पहले ही पे कर चुका हूँ तो मुझे फ़ाइव रुपीज़ और पे करना पड़ेगा जब मैं रिटर्न पे शो करूंगा आई टी आर टी आई जी टी आई करूँगा तब जी एस टी रिटर्न में ठीक है तो ये आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को और जीएसटी की ये कंडीशन ही होती है कि जीएसटी को जो हर महीने रिटर्न जो होता है जी आर बोला जाता है उस चीज़ को तो मैं आपको वो और बताता हूँ जी आर में क्या होता है तो जो जी आर होता है तो जी आर का मतलब होता है जी रिटर्न तो ये आर स्टैंड फॉर रिटर्न होता है ठीक है तो ये रिटर्न हो गया जी रिटर्न हो गया ठीक है तो ये हर महीने आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी को और ये थ्री टाइम्स रिटर्न फाइल फाइल होती है थ्री टाइम्स रिटर्न फाइल होती है तो मैंने आपको जो बताया उसमें फाइव रुपीज़ आपको मतलब हर आ, इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें कॉम्पोजिट स्कीम भी होती है तो कॉम्पोजिट स्कीम तो ये सी ही बता सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के रिलेटेड तो इसमें क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है तो ये है उसकी बेसिकली बात ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ स्लैब्स होते हैं इसमें बहुत सारे स्लैब्स होते हैं तो किसी में फाइव परसेंट किसी में एटीन परसेंट किसी में ट्वेंटी ट्वेंटी एट परसेंट तो इस टाइप के इसमें स्लैब्स होते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ जी एस टी आई इन के बारे में तो जी एस टी आई इन का मतलब होता है जी एस टी जी एस टी आई इन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है तो ये आपको प्रोवाइड किया जाता है और इस नंबर की जो वैल्यू अंक होते हैं वो तकरीबन पंद्रह होते हैं पंद्रह डिजिट्स होते हैं इसमें ठीक है तो इसमें जो जैसे स्टार्टिंग के आप टू मान लीजिए वन और टू और बाकी के बीच में अपन कर लेते हैं इसमें टेन तो जैसे कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी मतलब इस टाइप से जो कुल मिलाकर के टेन ऐसे जो हो रहे हैं ठीक है तो इन टेन को बोला जाएगा ये आपका पैन कार्ड का नंबर होगा ये आपका पेन कार्ड का नंबर होगा ठीक है ये आपका पेन नंबर होगा आगे के जो नंबर होंगे वो आपका स्टेट दर्शाएगा ठीक है वो स्टेट के बारे में डिफाइन करेगा और बाकी के जो पीछे के तीन नंबर होंगे जैसे टू थ्री फोर या जेड A कुछ